मेरा और एक न्यू ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग का। तो रात को निकले थे गाड़ी, हम लोग 8 बजे निकला था और अभी तक हम करीब भद्रक पार कर गए हैं और 100 किलोमीटर हमको चलना है। तो ब्लॉग में बने रहिए यार, जैसे आप लोग आशीर्वाद दुलार दिए है हमारा चैनल को संतोष ड्राइवर के ब्लॉग को, तो आप लोग ब्लॉग को देख के सब्सक्राइब कॉमेंट कीजिएगा। दोस्तों कॉमेंट करने से उत्साह बढ़ता है, तो प्लीज आप लोग देखिए और मेरा ब्लॉग को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों अभी हमको और 120 किलोमीटर जाना है, लगभग हम 300 किलोमीटर आ चुके हैं और 100 किलोमीटर किसी तरह से हमको पहुंचना है। तो चलते हैं, चाय पी ली है और भाभी वाला होटल में चाय पीना है और चाय पी के चलते हैं। तो तब तक के लिए आप बने रहिए ब्लॉग में। जगह जगह पे दिया रहता है कैमरा, सीट बेल्ट नहीं लगा के रखने से ऑटोमेटिक फाइनिंग चल जाएगा मालिक के पास फिक्स से, तो इसलिए यहाँ चाय पी लिए हैं। और अब यहाँ से चलेंगे करीब 120 किलोमीटर जैसा है, तब लगभग पहुंचने वाले हैं। अब 2.5 घंटे लगेगा, तो चलते हैं इधर। अभी रास्ता ठीक होगा इधर पूरा, रात भर चलने के बाद सुबह सुबह थोड़ा लगता है आलस टाइप का, बदन टालने लगता है। पहुंच गए हैं, पानी घोली वाला है टूलटैक्स, टूलटैक्स पार करके और एक टूलटैक्स मिलेगा, वहां से हमको आगे टांगी बोल के जाएगा है, वहां से दाहिने जाना होगा। पहाड़ी के अंदर है गोडाउन, एक बार और गए थे, करीब साल भर हो गया है। आज मौसम बहुत खराब किया, रात भर ऐसे ही झिमिर झिमिर बारिश हो रहा है, बरसात का जैसे इसमें गाड़ी स्लिप बहुत करता है, होशियार चलाना पड़ता है गाड़ी। ऐसे गाड़ी देखकर रोड में पूरा इधर उधर छिटा हुआ है गाड़ी है, इस रोड में गाड़ी भी बहुत चलता है। और रात में निकले तो अर्जेंट बोला था, इसलिए रात को कहीं सोए नहीं, रात भर गाड़ी चलाना पड़ गया। देखते हैं, बोल रहा है खाली हो जाएगा, अगर खाली हो जाएगा तो आप लोग का दुआ से खाली हो जाएगा तो ठीक ही रहेगा कि रात भर मेहनत का फल मिल जाएगा। और खाली अगर नहीं होता है तो फिर रुकना पड़ जाएगा। जितने भी कंपनी है, कंपनी में अंदर में खाना वाना नहीं बनाने देता है और होटल भी ढंग का नहीं मिलता है। अभी बेक करा दे रहा है, ले नहीं रहा है, बोल रहा है लगता है हमको भी बेक करना पड़ जाएगा। फास्टैग जो लगा हुआ कहीं कहीं नहीं काम कर रहा है, बारिश में सिस्टम में फेल हो जा रहा है, तो इसलिए बेक कर लेते हैं। यही वाला झमेला बहुत खराब लगता है। पैसा तो बहुत मिलता है टूल टैक्स में, टूल टैक्स वाला लोग को, लेकिन मशीन का जांच उच देखभाल करता ही नहीं है, जो ड्राइवर लोग को परेशान होना पड़ता है। और दोस्तों इस रोड में कैमरा वैमरा लगा रहता है सब जगह में, ऑनर लोग को ऑटोमेटिक केस चल जाता है, ड्राइवर को पता भी नहीं लगता है, कहीं स्पीड हाई स्पीड का चल जाता है, कभी बेल्ट वेल्ट नहीं लगा के रखने से उसका चल जाता है और ड्राइवर को पता ही नहीं होता है, कभी कभी सब कुछ ठीक होने के बाद भी चल जाता है।
दोस्तों 10 बजे के बाद बोला है गेट में इन होगा, तो नाश्ता कर रहे हैं अभी। नाश्ता यहाँ मिला है, यही ये 12 है और इडली है और ये एक तो क्या मीठा है, जो भी है यही सब है नाश्ता के। तो चलते हैं नाश्ता करने के लिए। ये कौन सा चीज है, कांगड़ा ककड़ा क्या बोल रहा है, जो भी है ठीक है, इसी को खाना पड़ेगा। तो खाने के बाद देखा जाएगा गाड़ी घुसेगा कि नहीं। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं, क्योंकि अंदर जाने के बाद तो वीडियो बन नहीं पाएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो